दोस्तों नमस्कार, मैं राधिका सिंबाल, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉपुलर सीरीज माय लाइफ माय स्टोरी में। दोस्तों, एक कहानियाँ जो होती है ना, बड़ी ही खूबसूरत होती है और हर इंसान की जिंदगी कोई ना कोई कहानी जरूर कहती है। तो देखते हैं आज की ये कहानी क्या कहती है। मैं नानू राम जिंदल हिसार हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। सन 1971 में मैं दिल्ली आया। आने के बाद में मैंने 120 रुपये में नौकरी शुरू की और कॉलेज में भी पढ़ता रहा। इसके बाद में मैं अपने व्यापार में आया और व्यवसाय मेरा यूपी बॉर्डर पर लोहे का पाइप का काम है मेरा। वहाँ पर आने के बाद में मैं अपना व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू करते करते मेरे अच्छा व्यापार चला और उसके बाद में मेरी सन 1974 में शादी हो गई। आज मेरे 3 लड़के है, 3 बहुएँ, 5 पोते और 1 पोतिया है। शुरू से मेरी धार्मिक प्रवृत्ति रही है। मैं हमेशा सामाजिक कार्यों से भी जुड़ा हुआ रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपका कोड़ियों की कॉलोनी जो तिमारपुर है, यहाँ से भी मैं काफ़ी सेवा करता रहा। उसके बाद में कुछ साल बाद में मैं नारायण सेवा संस्थान उदयपुर से भी जुड़ा रहा 4-5 साल। वहाँ पर भी जितना मेरा सामर्थ्य था मैं अपने लेवल पर खूब सेवा करता रहा। और करीब 6 साल पहले अपना घर आश्रम भवाना में है, जहाँ पर मैं पहली बार जब गया तो जाकर मैंने देखा कि वास्तव में यहाँ पर एक मानव की सेवा होती है। यहाँ पर उन लोगों की सेवा होती है जो सड़क पर पड़े हुए हैं, जिसके कीड़े पड़े हुए हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, हाथ नहीं है, पांव नहीं है, उन लोगों को हम ला करके अपना घर आश्रम में पहुँचाते हैं और वहाँ उन लोगों को हम आजीवन निःशुल्क सेवा देते हैं। 5 साल पहले मैं महाराजागर सेवा संस्थान से भी जुड़ा। यहाँ पर रामनिवास गोयल जी जो हमारे विधायक हैं और अन्य लोग हैं, हमारे यहाँ पर 4 संस्थाएं हैं। महाराजागर सैन सेवा संस्थान जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, महाराजागर सैन सेवा संघ जहाँ पर एम्बुलेंस सेवा दी जाती है, रामकथा है और कावड़ सेवा है। इन 4 संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ भी हूँ, ट्रस्टी भी हूँ। और यहाँ पर इन लोगों का स्वभाव, इन लोगों का काम करने की शैली, ये देख करके मेरा बड़ा मन प्रसन्न हुआ और मैं आज तक इन संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। आज भी मैं समाज में जहाँ पर किसी गरीब को, जहाँ पर किसी हालत ख़राब देता हूँ, तो मैं अपने लेवल पर जितना मेरे परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है मैं उसके अनुसार उनकी पूरी पूरी सेवा करने का प्रयास आज अभी तक करता हूँ और मेरा यह आजीवन संकल्प भी है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री कृष्ण कुमार जिंदल, 20 साल पहले उनका स्वर्गवास हो चुका है। और माताजी श्रीमती सावित्री जिंदल स्वर्गीय, जिनका स्वर्गवास 27 साल पहले हो चुका है। पिताजी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो राजस्थान में 0 से लग करके उन्होंने कांटू की सहज पर सो करके हमारा गुजारा किया, हमारी सहायता की और हमारे प्रेरणा के स्रोत बने रहे। माताजी का स्वभाव भी बहुत अच्छा था, वो भी कदम कदम पर हमें प्रेरणा देती रहती थी। मेरे 3 लड़के हैं, मनोज जिंदल, नीरज जिंदल और पंकज जिंदल। 5 मेरे पोते हैं, 1 पोती है। सबसे बड़ी बहू का नाम ज्योति, उसके बाद में लीना जिंदल और उसके बाद में रितु जिंदल, जो सभी गृहिणी हैं। बच्चों का स्वभाव तो बहुत ही प्यारा है और दादा दादी की तो हमेशा तमन्ना रहती है कि बच्चों में खेलें, बच्चे बहुत प्यार करते हैं। पोता पोती के साथ तो जब समय बिताता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है, बल्कि मैं कई बार टाइम से पहले भी आ जाता हूँ। बच्चों के लिए कभी चिप्स है या इनकी पूछता रहता हूँ, बेटा तुम्हें क्या चाहिए, ये बड़े खुश होकर मुझे बताते हैं और मैं भी बड़ा दिल से खुश होकर इनके लिए आता हूँ। जितना मेरे से हो सकता है मैं इनको अपने लेवल पर खुश रखने के प्रयास करता हूँ और ये खुश रहते भी हैं। बहुएँ भी बहुत प्यार करती है, मेरे बेटे भी तीनों बहुत अच्छे हैं, व्यापार से इतने जुड़े हुए हैं और हमारे घर का वातावरण आज की समय में बहुत ही अच्छा चल रहा है। मेरी शादी 1974 में हुई थी और मेरी पत्नी का नाम है श्रीमती राजा रानी जिंदल, जिनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है और हम 44 साल से 45 साल से कदम मिला के चल रहे हैं और आज हमारा परिवार है, बहुत ही अच्छा चल रहा है।
महाराजा का सैन्य सेवा संस्थान से आज जो विधानसभा अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल है उनसे मैं पहले भी जानता था, तो वो घर पे आए। आने के बाद में जैसे ये संस्थान ली तो उस टाइम उन लोगों ने हमारे से ट्रस्टी बनने का आग्रह किया, क्योंकि मेरे स्वभाव में था ये कि मैं समाज का कुछ करूँ, कुछ धार्मिक प्रवृत्ति भी रही है मेरी, इसलिए उनके कहने पर वहाँ का मैं ट्रस्टी भी बन गया। और जब वहाँ पर मैंने जाके देखा कि यहाँ पर तो 3-4 संस्थाएँ हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति है, अच्छे स्वभाव के हैं और जुझारू है, काम करने वाले हैं, साधन संपन्न है, उनके अंदर बैठ करके मुझे अच्छा लगता था कि मैं इनके अंदर बैठ करके अपना जीवन भी सुधार सकता हूँ, समाज की सेवा भी कर सकता हूँ और धार्मिक अपना धर्म वो भी मैं निर्वाह कर सकता हूँ। जीवन में ज़्यादा मोटिवेट तो देखो जो भावनाएं अपने आप अंदर से आती है, उसके बाद में तो सारे मेरे सहयोगी है, मेरा कोई रास्ता रोकने वाला नहीं है। जो मैं अपने जो अपना संकल्प है उस संकल्प को पूरा करने में लगाया हुआ हूँ, इसमें मेरे तीनों लड़के भी हैं, तीनों भवे भी हैं, पोते पोतियाँ भी हैं, कदम कदम पर मेरा साथ देते हैं और यही मेरे प्रेरणा स्रोत है जिसके मैं सहारे आगे बढ़ रहा हूँ। सपोर्ट तो पहले हम दो भाई थे, आपस में दोनों भाइयों का हमारा व्यापार इकट्ठा था, एक दूसरे का बहुत प्यार था, एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे जो आज तक भी है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे बच्चों का संपर्क हुआ, बच्चों को काम पे लगाया और इनकी तरफ से भी, इनका इतने प्यार करते बच्चे, आज इनकी तरफ से भी मेरा हर कदम कदम पे सपोर्ट है। मेरा आगे बढ़ने का कारण ये है कि बच्चे मेरा सभी सपोर्ट पूरा कर रहे हैं। बचपन की याद तो जो गाँव में रहते थे तब इतने कोई साधन थे ही नहीं, बड़े सीमित साधनों में बहनों के साथ यह भी की, भाई का साथ भी दिया, परिवार भी चलाया। उसके बाद में दिल्ली आने के बाद में भी 120 रुपये में नौकरी की, उस टाइम भी हमारे पास कोई साधन नहीं था, पर क्योंकि हमारे अंदर काम करने की तमन्ना थी, आगे बढ़ने का संकल्प था, हम धीरे धीरे सर्विस से छोटा सा अपना काम किया। 1976 में मैंने PVC शू का काम किया कीर्ति नगर, वहाँ पे भी मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया और मैं रोड पर आकर खड़ा हो गया। उस टाइम मेरे पास कोई साधन नहीं था, दिल्ली में हमें कोई जानने वाला भी नहीं था, बच्चे भी नहीं थे, यार दोस्त भी नहीं थे, कोई परिवार भी नहीं था। उस टाइम तो बहुत संघर्ष का टाइम था, एक छोटे से होटल में 40-45 रुपये लेता था, दोनों टाइम खाना खाना, अकेले रहना, अपने कपड़े धोना, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रगल था, लेकिन उसमें हम घबराए नहीं और अपना जो भी फर्ज था जो उसको निभाते चले गए और परमात्मा हमारे साथ रहा। मेरे पिताजी ने मेरा सहारा बनाया, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया कि आप आगे कदम बढ़ाओ, मैं आपके साथ हूँ, और इसी तरह से मैं आगे बढ़ता रहा। फिर धीरे धीरे करके अपना व्यवसाय किया, करते आज मैं परमात्मा की दया से बहुत अच्छी मंजिल पे हूँ, जहाँ से मैं अपना परिवार भी बड़े ढंग से चला पा रहा हूँ और मैं धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ और पूरी सेवा कर पा रहा हूँ। मेरा जीवन का सबसे बड़ा सक्ष मंत्र तो यही है कि जब तक सांस है, जब तक परमात्मा ने साधन दिए है, मैं आखिरी दम तक अपने परिवार का निर्वाह करते हुए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना मेरे से संभव हो सके मैं किसी गरीब के काम आऊँ, किसी रोते हुए हंसने का प्रयास करूँ, किसी गरीब का सहारा बनूँ, किसी गिरते हुए उठाऊँ, यही मेरा सबसे बड़ा संकल्प है और मैं यह संकल्प आखिरी दम तक निभाता भी रहूँगा। वो भी तो मेरी यही है, वैसे तो देखो समाज से हर आदमी से जुड़ा हुआ हूँ, हमारे आज ये कॉलोनी है, कॉलोनी में भी हर आदमी के साथ जुड़े हुए हैं, कोई यहाँ पर धार्मिक कोई फंक्शन होता है या कोई भी चीज़ होती है, हम कोशिश करते हैं कि कदम से कदम मिला उनके साथ चले और वह तो सच्चे से अच्छा करें। उसके अलावा तो TV देखना है, तो सामाजिक कार्यों में ज़्यादा मेरी रुचि रहती है। मैं तो यूथ को यही संदेश जानना चाहूँगा कि आजकल के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्य के प्रति समर्पित रहे, समाज में कहीं पर व्यापार में किसी से बिगाड़ के ना चले, तो अच्छा लेन देन रखे सही हिसाब से। जब समाज में अपनी इज्जत बनाएगी, गुडविल बनाएगी, तो काम की आज के समय में कोई कमी नहीं है। आदमी जब अपने पाँव पर उनका संकल्प पक्का हो कि मुझे व्यापार में आगे बढ़ना है, कुछ करना है व्यापार में और करके मुझे अपने समाज का भी करना है, अपने परिवार का भी करना है, आगे भी बढ़ना है, तो मैं समझता हूँ कि व्यापार में और काम में कहीं पर भी कमी नहीं रहेगी और दर बदर वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। दिनचर्या तो सुबह उठ के पहले घूम के आते हैं पारियमना स्पोर्ट में, आने के बाद में चाय पी ली, चाय पीने के बाद में पेपर पढ़ लिया, पेपर पढ़ने के बाद में नहा धो करके और फिर हम महाराजा का सैन्य सेवा संस्थान में या कोई और कहीं पर समय मिलता है जहाँ पे कुछ हम कर सके समाज का, वहाँ पर भी घंटा दो घंटा चले जाते हैं। उसके बाद में UP बॉर्डर पे मेरे तीनों बच्चों का काम है, उन पे भी देख आते हैं भी कौन सही है, क्या है बाज़ार में, इनकी इज्जत सही है, काम सही तो कर रहे हैं, कोई ऐसा काम तो नहीं है जिसमें हमें भी लांछित होना पड़े, इनको भी होना पड़े।
तब हमें अब मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरे तीनों बच्चों में कोई ऐब नहीं है, अपने रास्ते पे चल रहे हैं, अपना संघर्ष कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो अगर यही इनकी हालत है तो परमात्मा करेगा कि आगे और बढ़े, मैं तो यही कहना चाहूँगा। भविष्य में मेरा कोई ऐसा कुछ नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही है कि मैं अपने परिवार को खुश रख सकूँ। सबसे पहले तो मेरा ये उद्देश्य है। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिवार में तो रोते रहते हैं, खुद समाज काम में जुड़े रहते हैं, परिवार में हर टाइप का कलह पाल करके अगर आदमी धार्मिक कोई काम करता है तो वो भी गलत है। मेरा सबसे पहले तो यही है कि मैं मेरे परिवार सुखी रहे, परिवार में किसी टाइप की जो मेरे से संभव हो सकता है, उम्र के लिहाज से भी, साधनों के लिहाज से भी, जो मेरे से हो सकता है मैं ज़्यादा इनका करने का प्रयास करता हूँ। और उसके बाद में जो भी मेरे पास समय बचता है, मेरा यह संकल्प है कि मैं आखिरी सांस तक समाज सेवा करता रहूँगा। इतना ही। रामनिवास गोल से मेरे काफ़ी बहुत पुराने संपर्क है। जब संस्था में बने तो बहुत अच्छी स्वभाव क्या है, बहुत मेहनती है और ईमानदार है। मैं तो उनसे संकल्प लेकर अगर सही कहोगे तो आज मैं उन्हीं की प्रेरणा से ही आगे बढ़ा हूँ। उनके अंदर मैंने देखा कोई गलत आदत नहीं है, मेहनती आदमी है, ईमानदार भी है और काम करने की प्रेरणा भी देते हैं। आज उनका मैं प्रेरणा लेकर ही मैं आगे बढ़ा हूँ, मेरा ऐसी सोच है। मोदी जी, आज के समय में जहाँ तक मैं समझता हूँ, 18-18, 20-20 घंटे मेहनत करना, ना खाने का पता है, ना सोने का पता है, और इतनी मेहनत करके आज हमारे देश को आगे ले जा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं देश को। मैं उनको सच सच प्रणाम करता हूँ कि आज वो हमारे देश की इतनी सेवा कर रहे हैं। अपना घर आश्रम, जिसका मुख्यालय तो भरतपुर है और बवाना में है, जहाँ पे इस टाइम 300 के करीब करीब रोगी है जिनको हम प्रभु के नाम से पुकारते हैं, और 400 बेड का तैयार है, दो महीने बाद तैयार हो जाए, 600-700 बेड का हो जाएगा। अलीपुर में महिलाओं का, जहाँ से 250 लेके 350 तक महिलाएँ हैं, और 300 बेड का मोर तैयार कर रहे हैं, 600-700। इसके अलावा भरतपुर में 2.5 से 3,000 तक इस टाइप के रोगी है, और हमारी 32-33 संस्थाएँ हैं हिंदुस्तान में। यहाँ पर उन लोगों की सेवा की जाती है जो सड़क पर पड़े हुए हैं, जिनका भगवान के अलावा कोई देखने वाला नहीं है, जो घर से ठुकराए हुए हैं, जो आत्मा से भी दुखी है और शरीर से भी दुखी है। जैसे ही हमें किसी भी माध्यम से, थानों के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, या हमारी एम्बुलेंस भी पूरी दिल्ली में घूमती रहती है, जैसे सूचना मिलती है फौरन हमारी एम्बुलेंस वहाँ पहुँचती है, उन्हें अपना घर आश्रम लिया जाता है। वहाँ से उनकी कटिंग है, नहलाना है, धुलाना है, खाना खिलाना है, उसके बाद में उनको बेड मुहैया करा दिया जाता है और आजीवन निःशुल्क सेवा की जाती है। ठीक, सब समाज के पैसे द्वारा की जाती है, इसमें सरकारी कोई सहायता नहीं मिलती। और वहाँ पर निरंतर उसकी, पहले हमारा ये प्रयास रहता है कि जैसे हमें पता लगे उसके हम घर पहुँचाने का प्रयास करें। कुछ लोग ऐसे भी जिनके घर वालों को पता, वो लेने नहीं आते। उसके बाद में जो बच जाते हैं, जिनका अता पता नहीं होता, हमारा आखिरी सांस तक उनका सेवा करने का संकल्प रहता है। यहाँ पर किसी से कोई पैसा, एक पैसा भी मांगा नहीं जाता। कोई बाप बनकर, कोई भाई बनकर, कोई बेटा बनकर, कोई औलाद बनकर, न जाने किस किस रूप में लोग आते हैं और आकर हमारी संस्थाओं का इतना बढ़िया काम चलता है, क्योंकि हमारे संस्था के पिलर संस्थापक हैं डॉक्टर बी एम भारद्वाज और उनके धर्मपत्नी माधुरी भारद्वाज। उनका एक ही कहना है कि हमें किसी से मांगना नहीं, जिसने जन्म दिया है वो ज़रूर कोई न कोई साधन बनाएगा। हम इसी बात पे चल रहे हैं और ये 100% बात खरी भी उतरी है। मेरा नाम मनोज जिंदल है, हम तीन भाई हैं, सबसे बड़ा बेटा मैं हूँ। पापा का नेचर देखो शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है, चाहे स्कूल टाइम हो, कॉलेज टाइम हो, उनके अच्छे संस्कार, उनकी अच्छी शिक्षा, जो उन्होंने बताया है हमारे को अच्छा सबसे अच्छे से व्यवहार करना, किसी से कोई गलत नहीं करना, वही हमें सीख मिली है, वही हम अपने फॉलो करते हैं लाइफ में। पापा ने हमें बहुत प्यार दिया है, हम चाहेंगे उनका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर रहे, हमें अच्छे टाइम में अच्छा आशीर्वाद दें अपना, बोलिए हम कोई गलत काम करें तो उसमें हमें सीख दें, समझाएं प्यार से, डांट से, जैसे भी हम गलत रास्ते ना जा पाएं। मेरा नाम ज्योति जिंदल है, मैं परिवार की सबसे बड़ी बहू हूँ, मैं मनोज जिंदल की वाइफ हूँ। पापा जी के लिए अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए, मेरे पास इतनी बातें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कहने के लिए कि समय कम पड़ जाएगा। पहली बात तो ये कि हम सब उनको बहुत प्यार करते हैं, वो हमें वो भी हमसे बहुत प्यार करते हैं,
वो परिवार को जोड़े रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं हमेशा परिवार को। वो ये सोचते हैं कि परिवार जुड़ा रहे, उसके लिए कई बार वो झुकने को भी तैयार रहते हैं। वो समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं उनको इतना मानती हूँ कि मैं अपनी ओन फादर और मेरे हस्बैंड से भी ज़्यादा उनको मानती हूँ। हम सबकी यही इच्छा है, मेरी भी यही इच्छा है कि हमारे पापा की उम्र बहुत लंबी हो और हम सब उनके साथ रहें हमेशा, वो हमेशा हमारे साथ रहें। मेरा नाम नीरज जिंदल है, मैं दूसरे नंबर का यानी मंझला बेटा हूँ उनका। स्वभाव देखिए उनका, शुरुआत बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा का हर मामले में सपोर्ट करते हैं, हर मामले में सबसे आगे रहते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए डांटते नहीं हैं। और उनका कहना यह है कि जब अगर हम सही रास्ते पर हैं, सही काम कर रहे हैं और तो फिर हमारे को किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं है। जैसा कि आप हम देखते हुए आ रहे हैं कि बहुत व्यापार में भी, समाज सेविक में भी, हर चीज़ में आगे रहते हैं, तो हमारे लिए भी वो हीरो ही हैं। हमारे पापा जैसे सबके पापा उनके लिए हीरो होते हैं, ऐसे हमारे लिए भी हीरो ही हैं, तो अभी उनके प्रेरणा से आगे बढ़ेंगे। लीना जिंदल हूँ और एज अ फादर इन लोग वो बहुत ही अच्छे हैं। वो हमारी, हम कुछ भी गलत करते हैं तो वो उसे हमें समझाते हैं और उसको छोड़ के वो हमेशा आगे बढ़ जाते हैं। उनके साथ यही है कि हम अपने दिल की बात उनसे बिल्कुल अपने फादर की तरह आराम से कर सकते हैं। हमें उनके साथ ये नहीं लगता कि वो हमारे फादर इन लॉ हैं तो हमसे बात नहीं कर सकते। हम बड़े प्यार से, बड़े कूल तरीके से एज अ फादर उनसे बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। मेरा नाम पंकज जिंदल है, मैं उनका सबसे छोटा बेटा हूँ। उनका नेचर बहुत अच्छा है और हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो हमारी छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर कर देते हैं, बड़ी गलतियों पर थोड़ा डांट देते हैं और उनकी इन्हीं डांट से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कोई सही काम करने की, अच्छा काम करने की। मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी आगे ज़िंदगी में, अभी तो थोड़ी फुर्सत कम रहती है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन थोड़ा सा उसके बाद मेरा भी मन ये है कि मैं अपने पापा की तरह समाज सेवी ही बनूँ, लोगों की हेल्प करूँ। मेरा नाम ऋतु जिंदल है, मैं श्री नानू राम जिंदल जी की सबसे छोटी बहू हूँ, पंकज जिंदल जी की वाइफ। 15 साल हो गए हमारी शादी को और पापा जी के साथ अगर अपना रिलेशन बताना हो तो फादर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ से ज़्यादा फादर एंड डॉटर का रिलेशन है हमारा। एंड ही हैज़ ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशनल फोर्स फॉर अस। और पापा का नेचर तो बहुत ही अच्छा है, बिज़नेस बहुत अच्छे से मैनेज कर ही रहे हैं उसके साथ। वो जब से मैं आई हूँ यही देख रही हूँ, सोशल वर्क में इंक्लाइंड रहे हैं थ्रू आउट और उससे हमें ऑब्वियसली बहुत प्रेरणा मिलती है। एंड वी वांट टू बी द सेम जस्ट एज ही इज़। और आगे बच्चों को, पोता पोती को, सबको वही संस्कार मिल रहे हैं पापा जी के साथ रहते हुए। हमारी जॉइंट फैमिली है एंड वी आर लिविंग इन अ हैप्पी फैमिली। मेरा नाम राजा जिंदल है, मेरे पति का नाम नानूराम जिंदल है। बच्चों को बहुत प्यार देते हैं, मेरे को भी प्यार देते हैं। बस ये कहते हैं कि मिलजुल के रहो, कोई घर में कभी कभार कुछ हो जाता है तो उसको संभालने की कोशिश करते हैं। मेरे को आपसे ये शिकायत है कि आप कई बार, मैं आपसे फ़ोन करती हूँ, कई बार उठाते नहीं हो आप फ़ोन, फिर मेरे को गुस्सा बहुत आता है और कई बार तो ऐसा होता है कि बिना बताए चले जाते हैं, फिर मैं फ़ोन करती रहती हूँ, बता के जाना चाहिए आपको। कैसी लगी आपको ये कहानी? थी ना कितनी खास? अगर आप भी चाहते हैं कि आपके परिवार पर भी एक प्यारी सी कहानी शूट की जाए तो हमसे कांटेक्ट कीजिए हमारे दिए हुए लिंक पर। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए, आपको ये कहानी कैसी लगी। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये कहानियाँ सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि आपके आने वाली जनरेशन के लिए भी है। ये कहानी है सदियों के लिए। दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए राधिका और माय लाइफ माय स्टोरी की टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।